दोस्तों, अगर आप एक म्यूजिशियन है, आपका स्टूडियो में बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, लेकिन अगर आपके पास मीडी कीबोर्ड नहीं है तो यहाँ पे आपके जो काम है वो बिगड़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मीडी का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारे स्टूडियो में, और यहीं से आपके काम की जो क्रिएशन होती है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। यानी म्यूज़िक कंपोजिंग से लेके बीट मेकिंग, सभी तरह के काम के लिए मीडी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला प्रोडक्ट होता है जो आपके स्टूडियो में होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मीडी कीबोर्ड के बारे में, कौन सा मीडी कीबोर्ड आपको लेना चाहिए, क्या प्राइस रेंज होती है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हमें देखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मीडी कीबोर्ड और नॉर्मल कीबोर्ड में क्या डिफरेंस होता है, क्या चीज़ें होती है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मैडी और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूँ म्यूजिक सीखे में। चलिए आज के वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा, इस वीडियो पे मैंने 500 लाइक्स के टारगेट रखे हैं, तो आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो में 500 लाइक्स पूरा कर दीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में। दोस्तों, नॉर्मल जो कीबोर्ड होता है उसके अंदर स्पीकर लगे होते हैं जो आपके मिडी कीबोर्ड के ऊपर में होता है, और जब भी कोई कीज आप प्रेस करते हैं तो आपका जो आउटपुट है वहीं पे निकल के आ जाता है। लेकिन वहीं बात करें मिडी कीबोर्ड की, तो यहाँ पे मिडी कीबोर्ड में कोई भी स्पीकर लगे हुए नहीं होते। ये USB से कनेक्ट होता है जो आपके कंप्यूटर पे ही चलेगा, और इसको आप कहीं और यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ दोस्तों, कि दूसरी बात यह है कि जो आपका मिडी कीबोर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ DAW से इंटीग्रेटेड होता है। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर होगा जिस पे आप रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, मिक्सिंग या म्यूजिक मेकिंग का काम करते हैं, उसी से जोड़कर इसको आप काम में ले सकते हैं। जबकि नॉर्मल कीबोर्ड को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, कहीं पे भी उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बिगनर्स हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप एक नॉर्मल कीबोर्ड लीजिए जो जिसके अंदर स्पीकर्स लगे होते हैं। अगर आप सीखने के पीरियड में या सीखना चाहते हैं तो एक नॉर्मल कीबोर्ड आप खरीदिएगा। अगर आप काम करना चाहते हैं कंप्यूटर से जोड़ के, तो यहाँ पर मैं सजेस्ट करूँगा आप मीडी कीबोर्ड खरीदिएगा। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि मीडी कीबोर्ड में और क्या क्या चीज़ें होती है। दोस्तों, सबसे पहले हम साइज़ की बात कर लेते हैं। मीडी कीबोर्ड में कई सारे साइज आते हैं, जैसे इसकी जो नॉर्मल साइज आती है वो आती है 49 कीज़ वाले, यानी 49 कीज़ के मीडी कीबोर्ड एक नॉर्मल स्टैंडर्ड मीडी कीबोर्ड माना जाता है जिसको आप खरीद सकते हैं। उसके ऊपर के साइज में जाएंगे तो 61 कीज़ के, 88 कीज़ के, इस तरह के मीडी कीबोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर छोटे साइज की बात करें तो 32 कीज़ के मीडी कीबोर्ड मिलेंगे, 25 कीज़ के भी मीडी कीबोर्ड आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं जिसको आप सिंगल हैंड से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं बात करें ब्रांड की, तो कई सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे अकाई के, रोलैंड के, नेक्टर के, एलिसिस के, एम ऑडियो के, सैमसंग के, और इस तरह के और भी कई सारे ब्रांड हैं जो यहां पे आपको अमेज़न पे या फिर मार्केट में मिल जाएंगे जिसको आप खरीद सकते हैं। दोस्तों, एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जब भी मीडी कीबोर्ड आप खरीद रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन वाला मीडी कीबोर्ड लें। क्योंकि अगर आप उस पर या तो सिर्फ अगर मेलोडी के काम करते हैं तब तो आपको ज़्यादा फंक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बीट मेकिंग के काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, तो कोशिश कीजिएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन वाला मीडी कीबोर्ड आप खरीद सके। दोस्तों, अगर प्राइस रेंज की यहाँ पे बात करें तो एक नॉर्मल मीडी जो कीबोर्ड आते हैं उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 8,000 रुपये से, जो मैक्सिमम 30,000 रुपये के अंदर में आपको जो है मीडी कीबोर्ड मिल जाएगा। अगर छोटे साइज की बात करें तो ये 3,000 से लेके 10,000 के रेंज में आपको एक छोटा साइज का सिंगल हैंड से बजाने वाला मीडी कीबोर्ड आपको मार्केट में बड़े ही आसानी से मिल सकता है। तो डिपेंड करता है आप किस तरह के मीडी कीबोर्ड लेना चाहते हैं, लेकिन अगर आप मेरा सजेशन मानेंगे तो आप कम से कम 49 कीज वाला मीडी कीबोर्ड लीजिएगा जो आप दोनों हाथ से बड़े आसानी से बजा सकते हैं। दोस्तों, 49 कीज़ के जो मीडी आते हैं वो आते हैं 4 ऑक्टेव के। अब ऑक्टेव क्या होता है मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, ये आते हैं नॉर्मल 4 ऑक्टेव के। वहीं अगर 61 कीज़ के बात करें तो ये आते हैं 5 ऑक्टेव के, और 88 कीज़ की बात करें तो ये आते हैं 6 ऑक्टेव के। तो इस तरह के कई साइजेज में आपको मीडी कीबोर्ड मिल जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कौन सा मीडी कीबोर्ड आपके लिए बेस्ट रहेगा। दोस्तों, अगर एक बिगनर्स है तो आपके लिए नॉर्मल रहेगा कि आप 49 कीज वाला मीडी कीबोर्ड लीजिए, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड है उसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर ब्रांड है जो अभी ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं वो है एम ऑडियो के, सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, एलिसिस के लेते हैं, रोलैंड के लेते हैं, नेक्टर के लेते हैं, और यहाँ पे और भी कई सारे ब्रांड हैं, लेकिन इन 4-5 ब्रांड के अगर आप मीडी कीबोर्ड लेते हैं तो आपके इन फ्यूचर में कभी भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, साथ में मैं आपको एक बात और बता दोस्तों, कि मीडी कीबोर्ड में कई सारे केसेस में मैंने देखा है कि उसके अंदर भी लेटेंसी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप लेटेंसी प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो कोशिश कीजिएगा 8 से 10,000 के बीच में या उससे ऊपर के रेंज में मीडी कीबोर्ड खरीदिएगा।
तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं, और मुझे उम्मीद है जो चीज़ें मैंने बताई अगर इस चीज़ को आप देखकर मीडी कीबोर्ड लेंगे तो एक अच्छा मीडी कीबोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो जितने भी कीबोर्ड्स के नाम मैंने इस वीडियो में बताए उन सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, अगर आप अमेज़न पर जाकर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, अगर आपको पसंद आता है तो अमेज़न पर उसको खरीद लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में।